दोस्तों, खुली हवा और खिलखिलाती धूप के अलावा पौधों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है पानी। इसके लिए अगर आप अर्बन गार्डनर हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है एक वाटरिंग कैन। लेकिन अगर आप मार्केट जाते हैं कुछ इस तरह की वाटरिंग कैन खरीदने, तो आपको खर्च करना पड़ सकते हैं 350 से 500 के आसपास। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने खुद की वाटरिंग कैन बना सकते हैं, वो भी एक मामूली से खर्च पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितेश परमार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग गुरु। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें ज़रूरत लगेगी प्लास्टिक की एक जार की। इसके अलावा हमें चाहिए एक प्लास्टिक की बोतल कुछ इस तरीके की। अगर ये नहीं है तो आप नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पाइप की। ये आधे इंची मोटा है और लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा है। इसके अलावा हमें चाहिए टीन की एक शीट। ये मैंने कोल्ड ड्रिंक की जो कैन आती है उसको कट करके निकाली है। और लास्ट में चाहिए एक इलेक्ट्रिक टेप और साथ में मार्किंग करने के लिए एक मार्कर। तो दोस्तों, सबसे पहले लेंगे हम प्लास्टिक की जार और हमारी प्लास्टिक की पाइप को कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। इसके लिए यहाँ से इसको तिरछा कट करेंगे। अब पाइप को इसके ऊपर रख के मार्कर से मार्क कर लेंगे। और उसके बाद इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पाइप इसके अंदर इस तरीके से फिक्स करेंगे। परमानेंटली फिक्स करने से पहले दोस्तों, इसको एस शेप में मोड़ लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों, हम लेंगे हमारी कैन जिसमें हमने होल किया था और उसके ऊपर इसको इस तरीके से फिक्स कर देंगे। अब हम लेंगे हमारी प्लास्टिक की बोतल और सबसे पहले मार्कर लेके इस पर इस तरीके की मार्किंग कर देंगे। इसके बाद इसको कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो है इसकी हम बनाने वाले हैं जाली। इसके लिए लेंगे टीन की शीट और उसको इस तरीके से रख के इसके ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस सर्कल के बाहर आधे इंच दूरी पे हम एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों, इस तरीके की हम इस पर कटिंग करने वाले हैं ताकि वो मोड़ने में थोड़ी सी सुविधा रहे। ये देखिए दोस्तों, हमारी प्लेट जो है वो आधी तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हम लेंगे पंचर और उसकी सहायता से इसके ऊपर होल बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, होल बन के तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद इसे जो प्लास्टिक की बोतल हमने कट की थी उस पर कुछ इस तरीके से फिक्स करने वाले हैं। कॉर्नर से दोस्तों इसको धीरे धीरे हम मोड़ना शुरू करेंगे। मोड़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि टीन शीट के साथ जब हम काम करते हैं तो सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, जरा से उसमें अपना हाथ को कट कर सकती है। ये देखिए दोस्तों, हो गया। इसके बाद हम इसे वायर से इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, वायर से बांधने के बाद हमारा हजारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसके बाद हम लेंगे इलेक्ट्रिक टेप और उससे इसको अच्छी तरीके से सील कर देंगे ताकि इसमें से कहीं से पानी ना निकले। दोस्तों, चिपकाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इलेक्ट्रिक टेप ही यूज़ करना है, क्योंकि वो पानी के कॉन्टेक्ट में आने के बाद खुलती नहीं है। अगर आप सेलो टेप यूज़ करेंगे तो वो खुल भी सकती है। ये देखिए दोस्तों, हमारा झारा जो है वो बनके हो चुका है तैयार। अब हम इसे करेंगे हमारी वाटरिंग कैन के ऊपर फिक्स। तो दोस्तों देखिए, हमारी वाटरिंग कैन जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसे पेंट भी कर सकते हैं जिससे ये और भी अट्रैक्टिव लगे। तो दोस्तों, हमारी वाटरिंग कैन हो चुकी है बनके कंप्लीट। आइए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं।
दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे आप बना सकते हैं अपना खुद का वाटरिंग कैन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही गार्डनिंग से जुड़े और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।